दोस्तों एकदम क्रंची करारा वाला हनी चिली पोटैटो बनाएंगे आज इस वीडियो में। देखते हैं कि एकदम क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो कैसे बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे फ्रोजन फ्राइज यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो फ्राइज घर में भी बना सकते हैं। फ्राइज की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैंने पहले एक वीडियो में बनाई है फ्राइज, तो आप उस तरीके से फ्राइज बना सकते हैं। अगर आप फ्रोजन फ्राइज भी यूज करेंगे तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है जो कि मैंने अभी फ्रीजर से निकाली है, और इसको मैं एक बोल में डाल दूंगा और इसमें थोड़ा सा आप पानी का छींटा मार दीजिए। यहाँ पे है मेरे पास मैदा, मैंने हाफ कप मैदा लिया है, इसमें डाल दीजिए। और है यहाँ पे हमारे पास कॉर्नस्टार्च, कॉर्नस्टार्च को मैं इसमें डाल दूंगा। पानी का छींटा मारा है हमने ताकि ये अच्छे से इसको कोट कर ले, और देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्राइज को अच्छे से कोट कर लिया है मैदे और कॉर्नस्टार्च से, आप इस तरीके से इसको कोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राइज हमारी फ्राई हो रही है साइड बाय साइड। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चाइनीज वोक है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, चॉप जिंजर, हल्का सा इसे सौते कर लीजिए, ग्रीन चिली इसमें ऐड कर लेंगे, अनियन जो हमने स्लाइस करे हैं, कैप्सिकम इसको अच्छे से सौते कर लीजिए। यहाँ पे वेजिटेबल हमने अच्छे से सौते कर लिए हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है वेजिटेबल को, वेजिटेबल में जो क्रंच आता है वो बहुत अच्छा लगता है हनी चिली पोटैटो में। तो अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, हम सॉस बनाएंगे जिससे कि हम पोटैटोस को अच्छे से कोट करेंगे। हम इस पर डालेंगे सेजवान सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, लाइट सोय सॉस, केचप, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करिए, नमक ऐड करेंगे, और सॉस हमारी यहाँ पे बनके रेडी है। थोड़ा सा सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च स्लरी ऐड करी जाती है। इसमें हमारे पास कॉर्नस्टार्च और पानी है, थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि सॉस हमारी थिक हो जाए और अच्छे से कोट कर ले पोटैटोस को। यहाँ पे जो फ्राइज है वो एकदम क्रिस्पी हो गई है, हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए फ्राइज हमारी यहाँ पे एकदम क्रिस्पी हो गई है, एकदम क्रिस्पी करारी हो गई है। अब हम इस सॉस में इसको ऐड कर लेंगे। सॉस हमें ज़्यादा भी नहीं बनानी है, अगर ज़्यादा सॉस में हम इसको पकाएंगे तो जो फ्राइज है वो सॉगी हो जाएगी। सॉस उतनी ही होनी चाहिए जो कि इसको अच्छे से कोट कर ले और इसमें फ्लेवर ऐड ऑन करे। तो हमने फ्राइज इसमें ऐड कर ली, अब हम इसमें हनी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हनी इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, अच्छे से मिला लीजिए। सॉस में मिलाने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, स्प्रिंग अनियन मिला देंगे। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग अनियन, और हम इसमें डाल देंगे धनिया, थोड़ा सा हम इसमें टोस्टेड सेसमी सीड डालेंगे। यहाँ पे देखिए हनी चिली पोटैटो बनके एकदम रेडी हो गया है, अब हम इसको प्लेट करेंगे। सॉस में ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, सॉस में ज़्यादा पकाएंगे तो जो हमने मेहनत करी है इसको क्रिस्पी करने की वो ख़राब हो जाएगी। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें टोस्टेड सेसमी सीड डालेंगे, और देखिए दोस्तों इतना आसान है हनी चिली पोटैटो बनाना। आप इस तरीके से हनी चिली पोटैटो बनाएंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।